नमस्कार दोस्तों, नोबेल प्राइज 2024 के लिए अनाउंसमेंट शुरू हो चुका है जो जनरली अक्टूबर और नवंबर में होता है। तो इस बार सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में अनाउंसमेंट हुआ है। दो व्यक्तियों को मेडिसिन के नोबेल के लिए चुना गया है जो अधिकतम तीन इंडिविजुअल्स या तीन ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा सकता है। विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुकुन आर विनर्स ऑफ 2024 नोबेल प्राइज इन द एरिया ऑफ मेडिसिन। एंड बेसिकली नोबेल प्राइज के बारे में आपको पता होगा, इट इज ए प्रेस्टीजियस इंटरनेशनल अवार्ड जो मैनेज किया जाता है बाय द नोबेल फाउंडेशन। और नोबेल फाउंडेशन जिसके हेडक्वार्टर्स स्टॉकहोम स्वीडन में है, एंड नोबेल फाउंडेशन की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई थी जो कि एक स्वीडिश एंटरप्रेन्योर, एक फिलेंथ्रोपिस्ट एंड एक इन्वेंटर थे। और जिस भी व्यक्ति या फिर जिस संस्था को नोबेल प्राइज दिया जाता है उसे नोबेल प्राइज लोरिएट कहा जाता है। सो नोबेल एकेडमी एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट इन स्टॉकहोम डिक्लेयर्ड दैट विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुकुन हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2024। तो किस रिसर्च के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है? दे आर अवार्डेड फॉर डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आर एन ए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। तो चलिए सबसे पहले इस रिसर्च के बारे में जान लेते हैं एंड उसके बाद कुछ फैक्ट्स अबाउट द नोबेल प्राइज, अबाउट द रिसर्च। सो एम्ब्रोज एंड रुकुन ने डिस्कवरी की एक की प्रिंसिपल की जो कंट्रोल करता है जीन एक्टिविटी। अब ये जीन एक्टिविटी या फिर जीन रेगुलेशन क्या है, तो समझिए हमारा जो शरीर है, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो शरीर है वो विभिन्न कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और जो एक सेल होती है उसके अंदर एक माइक्रो या स्मॉल सेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है क्रोमोजोम। और ये जो क्रोमोजोम है यही आपको पता है सेल डिवीजन में सहायता करता है। जो इसका टीलोमर, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो, टीलोमर को लेकर भी अभी रिसेंटली एक रिसर्च सामने आई थी कि टीलोमर खत्म हो जाने की वजह से जो सेल डिवीजन है नहीं हो पाता और इसीलिए हम लोग बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, या फिर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए हर केस में ऐसा होता है। तो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। द इंफॉर्मेशन इन अवर क्रोमोजोम्स कैन बी कंपेयर्ड टू ए गाइड बुक फॉर ऑल सेल्स। तो जो एक सेल है उसके लिए गाइड बुक का काम करता है क्रोमोजोम। एंड एवरी सेल कंटेन द सेम क्रोमोजोम। हर प्रकार की सेल में सेम क्रोमोजोम होता है, मीनिंग दे ऑल हैव द सेम सेट ऑफ जीन्स एंड इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें जो गाइड है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी जीन्स हैं, वो सेम होते हैं। लेकिन बावजूद उसके, ये आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल होने के बावजूद भी हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की सेल पाई जाती हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे कि आप समझिए जो स्टेम सेल है वो तो एक पेरेंट सेल की तरह काम करेगी, उसी से डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है क्रिएट होंगी, जैसे कि मसल सेल है, फैट सेल है, बोन सेल है, ब्लड सेल, नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स हैं या इम्यून सेल हैं, इसके अलावा सेक्स सेल है। तो जितनी भी हमारे पास कोशिकाएं हैं इनका अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, इनका डिफरेंट फंक्शन होता है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है। लेकिन आइडेंटिकल मटेरियल होने के बावजूद ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे रखती हैं, सवाल यही है। तो देखिए, दीज डिफरेंसेस अकर्स बिकॉज ऑफ जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो ये डिफरेंस क्रिएट करता है एक डिफरेंट टाइप की सेल को अलग फंक्शन करने के लिए। अब जीन रेगुलेशन क्या है, एक प्रोसेस जो अलाउ करती है सेल को टू सेलेक्ट ओनली द इंस्ट्रक्शंस दे नीड। हमने देखा क्रोमोजोम के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और सभी क्रोमोजोम्स में या सभी सेल्स में सेम आइडेंटिकल इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जीन रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे एक सेल जो उसी इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करती है, उसी इंस्ट्रक्शन को या फिर उसी हम कहें तो जीन को सेलेक्ट करती है जो उसे चाहिए, एंड इंश्योरिंग द राइट जीन्स आर एक्टिव इन ईच सेल टाइप। सो विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रुकुन जब ये रिसर्च कर रहे थे कि कैसे डिफरेंट टाइप की सेल्स डेवलप होती हैं, कैसे ये फंक्शन करती हैं, तो उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया माइक्रो आरएनए, जो कि एक स्मॉल या फिर कहें कि माइक्रो
मॉलिक्यूल है, आरएनए मॉलिक्यूल है, जो कि क्रूशियल है टू द जीन रेगुलेशन। सो इन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान माइक्रो आरएनए की खोज की थी एंड जीन रेगुलेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में जो है अपनी रिसर्च की, एंड देयर डिस्कवरी या फिर देयर रिसर्च इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू कॉन्सेप्ट इन जीन रेगुलेशन। तो इनकी जो रिसर्च थी उसने एक नया कॉन्सेप्ट जीन रेगुलेशन के केस में लाके खड़ा कर दिया, जो इसेंशियल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। सो इट इज नोन दैट द ह्यूमन जीनोम्स इनकोडेड ओवर 1000 माइक्रो आरएनएज हमारे शरीर में होते हैं, और दिस अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग रिवील्ड ए न्यू एस्पेक्ट ऑफ जीन रेगुलेशन विद माइक्रो आरएनएज प्लेइंग ए वीटल रोल इन हाउ ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड फंक्शन। कैसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे एक ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, फंक्शन करता है, डिफरेंट टाइप की सेल्स कैसे बनती हैं, कैसे उनका फंक्शन होता है, तो इस चीज को समझने में माइक्रो आरएनएज ने एक काफी बड़ा रोल अदा किया। इसीलिए इन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज जो है इसके लिए दिया गया है। और अगर हम बात करें कुछ फैक्ट्स अबाउट दी नोबेल प्राइज, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना। नाउ नोबेल प्राइज के बारे में आप सबको बेसिकली पता ही होगा, 6 फील्ड में बेसिकली दिया जाता है, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन या फिजियोलॉजी है, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ये बाद में शुरू हुआ था, आई थिंक 1969 में, इससे पहले इकोनॉमिक साइंस में ये नहीं दिया जाता था। तो जो नोबेल अल्फ्रेड नोबेल थे उनके एक फाउंडेशन ने ये नोबेल प्राइज स्टार्ट किया था, 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। वैसे बहुत सारे फैक्ट हैं इसके बारे में पढ़ने को तो, एंड अगर आप देखोगे तो नोबेल प्राइज जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक साइंस का है ये दिया जाता है बाय द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ये बात जो है पॉइंट है याद रखने वाला है। एंड नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दिया जाता है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट एट स्टॉकहोम स्वीडन। अभी अभी हमने देखा जो नोबेल असेंबली है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की, उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों के नाम का जो अनाउंसमेंट किया है। एंड लिटरेचर की बात करें तो ये स्वीडिश एकेडमी देती है, और इसके अलावा जो पीस का जो प्राइज है वो नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, 5 मेंबर की कमेटी, वो इनको सेलेक्ट करती है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जो पीस प्राइज है, नोबेल पीस प्राइज, इसको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि जो 5ों अदर नोबेल प्राइज हैं इनको स्वीडन के अंदर दिया जाता है, स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम, वहां पे इसको दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है। अभी रिसेंटली हमने देखा है जो फिजिक्स है उसके केस में भी अनाउंसमेंट आ चुका है, और एआई के जो इन्वेंटर हैं उन दोनों व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है, तो उसके बारे में भी एक काफी अच्छी वीडियो हम बना सकते हैं। खैर उसके ऊपर अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे, तो अभी के लिए इतना ही। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, एंड हाँ क्लास आपको अच्छी लगी तो एक लाइक करना, और चैनल पे अगर नए आए हो तो फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप सब्सक्राइब करके जा सकते हो।